हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम नए टॉपिक्स वृत्ति इस टॉपिक को लेकर उपस्थित हैं। आज हम वृत्ति के बारे में चर्चा करेंगे कि वृत्ति मीन्स क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वृत्ति होता क्या है। वृत्ति जो है वह वाक्य, यानी कि जब क्रिया रूप और वक्ता जो लेखक है कि मनोवृत्ति का प्रयोजन करके या उसके प्रयोजन की तरफ जो है संकेत करता है तो उसे हम वृत्ति कहते हैं। फिर एक बार हम समझते हैं कि जब क्रिया रूप वक्ता लेखक की मनोवृत्ति यानी जिसको हम मूड कहते हैं इंग्लिश में, का प्रयोजन की ओर क्या करता हो, संकेत करता हो, तो उसे हम वृत्ति कहते हैं। देखेंगे वृत्ति जो है ये इसके अनेक भेद होते हैं। जैसे नंबर एक पर हम आते हैं तो आज्ञार्थक वृत्ति, इसके अंतर्गत जो है इस वृत्ति से आज्ञा आदेश अनुरोध चेतावनी निषेध प्रार्थना इत्यादि प्रकार का बोध होता है। ठीक है, नंबर दो जो है इच्छार्थक वृत्ति। ठीक है, नंबर एक जो आपका था वो आज्ञार्थक था। ठीक है, आज्ञार्थक वृत्ति। नंबर दो इच्छार्थक वृत्ति। ठीक है, इच्छार्थक वृत्ति। तो इच्छार्थक में इस वृत्ति में जो है वक्ता की इच्छा कामना आशीर्वाद और वरदान श्राप आदि का पता चलता है। ठीक है, इच्छार्थक वृत्ति के अंतर्गत जैसे ईश्वर सबका भला करे। ठीक है, ईश्वर सबका भला करे। मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बन जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बन जाओ। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये जो उदाहरण है, ये इच्छार्थक वृत्ति के तहत प्रयोग किए जाते हैं। नंबर तीन जो है आपका वह है संभावनार्थक। नंबर तीन जो है आपका संभावनार्थक वृत्ति, संभावनार्थक वृत्ति नंबर तीन। ठीक है, इसमें इस वृत्ति में जो है जैसे हम इसका एग्जाम्पल के तहत समझ सकते हैं, संभवतः आज पानी बरसे, शायद मैं आज स्कूल जाऊं। ठीक है, इस प्रकार से जो उदाहरण होते हैं वह संभावनार्थक वृत्ति के अंतर्गत आते हैं। नंबर चार आपका सामर्थ्य वृत्ति, सामर्थ्यार्थ वृत्ति नंबर चार, इसमें सामर्थ्य को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, नंबर पांच जो है बाध्यार्थक वृत्ति। नंबर पांच बाध्यार्थक, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाता हो तो उसे हम बाध्यार्थक वृत्ति कहते हैं। जैसे तुम अभी स्कूल जाओ, तुम बाजार से पुस्तक ले आओ। ठीक है, यानी किसी काम को करने के लिए बाध्य किया जाना, उसको बाध्यार्थक वृत्ति के अंतर्गत आता है। अब ध्यान देंगे कि आप वृत्ति जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इसको पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रश्नार्थक वृत्ति, प्रश्नार्थक वृत्ति। जब वक्ता के मन में कोई इस प्रकार की जिज्ञासा हो कि वह अपने सामने, ठीक है, वह किसी से प्रश्न को पूछे तो उसके तहत जो है वह प्रश्नार्थक यानी कि वह प्रश्नार्थक वृत्ति के तहत आएगा। जैसे अब क्या होगा, ठीक है, कल कौन आएगा, इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वह प्रश्नार्थक वृत्ति के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला जो है नंबर सात पर है वह है संकेतार्थक वृत्ति। ठीक है, यानी कि कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं होती हैं, कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं होती हैं तथा दोनों ही कार्य और करण की जो है क्या करती हैं, संबंध होता है, और इस वृत्ति में दोनों क्रियाओं के कार्य और कारण का संबंध आपस में होता है। तो इस प्रकार से यदि तुम आ जाते तो मैं ढूंढने चलता, यह सांकेतार्थक वृत्ति के अंतर्गत आता है। अगला जो हमारा है वह है निश्चयार्थक वृत्ति। इसमें किसी भी काम को करने की एक निश्चितता का बोध होता है, वह निश्चितार्थक वृत्ति के अंतर्गत आता है। हमारा अगला नौवां यानी कि आखिरी है संदेहार्थक वृत्ति, यानी कि इसमें किसी काम के करने में संदेह बना हो
यानी कि उसमें हम अस्पष्ट न समझ पाए तो फिर संदेहास्पद इसको कहा जा सकता है वृत्ति के अंतर्गत आता है। जैसे दादाजी उज्जैन पहुंच गए होंगे, दादाजी उज्जैन पहुंच गए होंगे, ठीक है, बालिकाएं झूला झूल रही होंगी, इस प्रकार से उसमें संदेह है इन वाक्यों में, तो यह वृत्ति के अंतर्गत आता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप समझे भी होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।